राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या वतीने गांधी चौकात विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आयोजित धरणे आंदोलनात शहर अध्यक्ष दीपक जयस्वाल, राहुल देवतळे, माजी नगरसेविका आखरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष दीपक जयस्वाल यांनी प्रतिक्रिया देताना आंदोलनाबाबत सांगितले की चंद्रपूर मनपा हद्दीत सुरू करण्यात आलेल्या 231 कोटीच्या अमृत योजनेचा पूर्णतः फज्जा उडाला आहे. कंत्राटदार काम अपूर्ण ठेवत पैसे घेऊन पळून गेला तो भाजप पदाधिकारी असल्याने मनपाने अजूनही त्यावर कारवाई केली नाही. त्याच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करीत कंत्राटदाराला कारागृहात टाकावे अशी मागणी जयस्वाल यांनी केली. कारण शहरातील अमृत योजना पूर्णपणे अयशस्वी झाली असून अनेक भागात 4 दिवस पाणीपुरवठा होत नाही. पालिका आता हतबल झाली आहे. राज्यात लावण्यात येणाऱ्या स्मार्ट मीटरला यावेळी विरोध दर्शवण्यात आला. जयस्वाल यांनी प्रतिक्रिया दिली की आज गोरगरीब नागरिकांच्या घरी स्मार्ट मीटर लावण्यात येईल, मात्र त्या मीटरचे पैसे आधी भरावे लागणार. जर रिचार्ज संपलं की पुरवठा बंद होणार, म्हणून हे मीटर लावण्यात येऊ नये. शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण मोहिमेत भेदभाव होत आहे. जर कारवाई करायची असेल तर पालिकेने निष्पक्ष कारवाई करावी. ज्याची सत्ता त्याला सूट देण्याचे काम पालिका करीत आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे. स्थानिक आमदार यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे असं यावेळी जयस्वाल म्हणाले. हमारा ये है की चंद्रपूर महानगरपालिका में मैं देख रहा हूं, मैं पिछले 25 साल से नगर सेवक हूं, लेकिन भ्रष्टाचार, हर कोई बगैर पैसे लिए काम करता नहीं है. हर चीज में भ्रष्टाचार है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई भी चीज हो, 5-10% पैसे लेके उनका काम होता है, उनके बिल निकलते हैं. तो ऐसे भ्रष्टाचार की चौकसी होना चाहिए और जो उचित दंड इनको मिलना चाहिए, क्योंकि बगैर पैसे दिए आज कोई भी गरीब आदमी रहो, अमीर आदमी रहो, कोई भी टेबल पे जब तक के पैसे देते नहीं किसी का काम होता नहीं. आज गरीब जनता त्रस्त है करके आज देखो जिधर उधर ट्रैप हो रहे हैं लोगों ने, अभी एंटी करप्शन में जाके पकड़ना चालू किया है. और पांचवा मेरा मुद्दा यह है कि चंद्रपुर शहर में अभी इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, इतनी गाड़ियां बढ़ गई है कि हर आदमी के पीछे एक गाड़ी है. ऐसे में गांधी चौक से जटपुरा गेट जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है. तो मेरी ये डिमांड है कि जो बिनबा गेट है, बगड़ खिड़की है, चोर खिड़की है, या फिर छोटा अपना जहाँ वरोरा नाका, यहाँ पर सिग्नल लगना चाहिए जल्दी से जल्द. क्योंकि आज देखा कि बिनबा गेट से जाते समय हमको एक एक घंटा, आधा आधा घंटा वहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि उधर स्मशान भूमि रहने के कारण रोज 10 से 15 मैयतें उधर जाती है. और उधर ट्रांसपोर्ट का भी व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, बड़े बड़े 10-10 चक्के की गाड़ियाँ वहाँ जाती है. तो ऐसे समय अगर सिग्नल वहाँ रहा तो जाने आने में दिक्कत नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे. तो हमारी ये 4-5 जो मांगे हैं ये आपने सरकार तक पहुंचाना चाहिए. ये इसी के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट के वजह से धरना आंदोलन का कार्यक्रम लिया गया है.